देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। बिहार तक की खबर का असर हुआ है। हमने झारखंड के सिंदरी निवासी जयप्रकाश महतो के सऊदी अरब से शव आने में देरी को लेकर खबर दिखाई थी। अब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सऊदी अरब से जयप्रकाश महतो का शव लाने के लिए पहल की है। सीएम ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार से जल्दी शव लाने की मांग की है, ताकि एक माँ अपने बेटे का, एक पत्नी अपने पति का, एक बहन अपने भाई के अंतिम दर्शन कर सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सऊदी अरब के अबू धाबी स्थित भारत दूतावास, विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है कि झारखंड सरकार की ओर से धनबाद के उपायुक्त द्वारा शव को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय स्तर पर सभी जरूरी कागजात सहित अन्य जरूरी कार्रवाई की गई है। मृतक जयप्रकाश महतो के रिश्तेदार बता रहे हैं कि मदद के लिए हमने सीएम हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था, जिसके बाद उन्होंने मदद का भरोसा दिलाया। हम लोग सरकारी मदद के लिए डीसी साहब के पास गए, विदेश मंत्रालय में हम लोग वहाँ पे लेटर लिखे हैं, फॉरेन मिनिस्टर को लिखे हैं, और जो कि हेमंत सोरेन जी को भी ट्वीट किया है, जो कि उन्होंने ट्वीट पे डीसी साहब को संज्ञान में लिया है, जो कि उनको बोला गया है डीसी साहब को कि जो उनकी फैमिली है, जो कि उनको मदद किया जाए और जितना से जितना जल्दी हो जो कि इंडिया बॉडी उनके फैमिली को लाकर सौंपा जाए। वहीं जयप्रकाश के शव की घर वापसी में मदद कर रहे समाज सेवी आशीष सिंह कहते हैं कि ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि 28 दिसंबर से आज तक बॉडी घर नहीं पहुंच सकी है। 28 दिसंबर को सऊदी अरब में सिंदरी का एक युवक था जयप्रकाश महतो, वो काम करने के सिलसिले में जून 2019 में ही गया था, तो वहाँ पर उसकी डेथ हो गई उसके कारखाने में काम करने के दौरान। तो उस दौरान क्या हुआ कि शव 28 दिसंबर से लेकर आज का दिन हो गया, अभी तक उसकी डेड बॉडी यहाँ तक नहीं पहुँची है। जब मैं उसके परिवार से मिला तो मुझे ये मतलब बहुत जानकर दुख हुआ कि एक तो इकलौता घर का कमाने वाला शख्स था वो, और गया वो सऊदी अरब में और वहाँ उसकी अचानक डेथ हो जा रही है, और फिर हमारा सिस्टम का लूपहोल इतना है कि उसकी डेड बॉडी आने में मतलब अभी तक नहीं आ पाई है। आने में तो टाइम लगेगा, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं आ पाई है यहाँ पर। तो फिर मैंने अपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, तो मैंने उनको ट्वीट किया था, उनको टैग किया था, उसके साथ मैंने पीएमओ को भी टैग किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी, और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी को भी। तो हालांकि हेमंत जी ने एक दिन पहले ट्वीट किया मैंने, और उन्होंने उनका क्विक रिस्पॉन्ड था ऐसा कि फिर उन्होंने एम्बेसी दुबई जो है हमारा विदेश का दूता भारतीय दूतावास है वहाँ पर उन्होंने भी ट्वीट किया, तुरंत रिस्पॉन्स दिया कि इसकी डेड बॉडी की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दी है, धनबाद डीसी ने भी कागजात वगैरह ले लिया है और हमारी विदेश मंत्रालय से बातचीत भी कर रही है। ऐसा हेमंत जी ने ट्वीट किया कि जल्द ही डेड बॉडी यहां पर उसकी मंगवा ली जाए। वहीं डीसी अमित कुमार कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय के वो सभी कागजात पहुंचाए जा चुके हैं, जल्द से जल्द जयप्रकाश के शव को उनके घर पहुंचाया जाएगा। जयप्रकाश महतो नामक व्यक्ति हैं जो सिंदरी निवासी है, वो सऊदी अरब के अल काशिम में जो है वो शीगा प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उनकी असामयिक निधन की खबर जो है वो उनके परिजनों के माध्यम से जिला प्रशासन को मिली है, और जिला प्रशासन ने संबंधित सूचनाएं जो है वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके पास हम लोगों ने भिजवाया है। लगातार जो है वो हम लोग संपर्क में हैं, और हम लोग की कोशिश रहेगी कि अविलंब जो है वो उनका पार्थिव शरीर जो है वो उनके परिजनों तक जो है वो पहुंचे, इसको लेकर के जिला प्रशासन लगातार जो है वो संपर्क बनाए हुए है। सिंदरी के मनोहरटाड़ गांव के जयप्रकाश महतो जीवन यापन के लिए 24 जून 2019 में अल कासिम की एक कंपनी में बतौर पाइप फिटर नौकरी के लिए गए थे। 28 दिसंबर 2019 को एक हादसे में उनकी मौत हो गई। उनके साथ इसी कंपनी में काम करने वाले उनके मौसेरे भाई दिलीप कुमार ने परिवार को मौत की सूचना दी। बाद में भारतीय दूतावास ने भी मौत की पुष्टि की। बेटे को खो चुका परिवार शव के लिए भटक रहा है। छोटा भाई ओम प्रकाश महतो और पिता डोमन महतो डीसी और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बस उन्हें आश्वासन ही मिलता है कि मंत्रालय में बात हो रही है। धनबाद से सेथुन मोदक, बिहार तक।